हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का थर्ड चैप्टर जो कि है आपकी क्या लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन से सबसे पहले आपको बात समझ में आनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। जो वेरिएबल होगा उसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी, और टू वेरिएबल्स का मतलब उस लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे। जैसे कि मैंने कह दिया कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वेरिएबल की पावर 1 है, दो वेरिएबल है, तो ये क्या बन गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस जब भी दो वेरिएबल्स के साथ, जैसे आपके आगे आप 2p प्लस 3q, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स और वाई ने ठेका ले रखा, दो वेरिएबल्स होने चाहिए और उनकी पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। तो वो क्या किस फॉर्म में आ जाएगा, आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके ऊपर आपके क्वेश्चन से सबसे पहले जो हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर मुझसे कोई कहे कि मुझे इस लाइन, ये जो एक इक्वेशन है, इसका मुझे ग्राफ बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है इसका, तो मुझे ग्राफ बनाना इसका आना चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में हम आसानी से सीख चुके हैं। तो कैसे बनाते हैं फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको एक्स और वाई में यहाँ ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाओगे, आप एक्स में वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो, तो 0 रख देंगे तो वाई इज इक्वल टू 3 हो गया, और यहाँ वाई में 0 रख दो तो एक्स की जगह पे वाई यहाँ 0 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आपको ये पॉइंट्स मिल गए क्या, एक्स में 0 है तो वाई में कितना है 3, और एक्स में 3 है तो वाई में 0। आप इस ग्राफ पर प्लॉट करके जो लाइन बनेगी वही इसका क्या हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एक्सरसाइज जो 3.1 है, मैं आपको उसमें इक्वेशन लिखना होता रहता हूँ, आपको सॉल्व आपको खुद को ही करना, ग्राफ बनाना वो आराम से आप बना लोगे, दोनों दो लाइन इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखो क्या कह रहा है 3.1 का। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब और उसकी डॉटर के बारे में बात कर रहा है। तो ये लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले आप दो चीजें फटाफट मान लो कि लेट द एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, एक तो आफ्ताब और एक उसकी डॉटर। आफ्ताब की मान लेते हैं एक्स, ये सब किस में चल रहा है, ईयर्स में। आफ्ताब की मान लेते हैं एक्स और डॉटर की मान लेते हैं वाई। अब ये कह रहा है कि 7 years ago, अब 7 years ago इस 7 साल पहले इसकी एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी क्या, एक्स माइनस 7। अगर मेरी 20 years एज है, 7 साल पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 20 minus 7, ये समझ में आना चाहिए। 13 तो सबको पता है, लेकिन 20 minus 7 वही सोचना रहता है इसमें। ये हो गई वाई माइनस 7, 7 साल पहले ये एक्स माइनस 7 हो जाएगा, ये वाई माइनस 7 हो जाएगा। तो ये कह रहा 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देयर, मैं जो था, ये जो आफ्ताब था, ये इसकी डॉटर का कितना, 7 times, कितना था, 7 times। तो इसकी डॉटर को 7 times करने पे ये क्या बन गया आपके, पहली इक्वेशन आप इसको सॉल्व कर लो, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7y, माइनस 7 से बन गया 49, एक्स माइनस 7 सबको इधर लिया था, माइनस 7y प्लस 49 इज इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। आप इसका ग्राफ बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। सेकेंड बात कह रहा है वो, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल, 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब आज से 3 साल बाद। तो फिर से यहाँ पे जाना, यहाँ नहीं जाना आपको, ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट है, तो x किसकी एज हो गई, आफ्ताब की, और डॉटर की y थी। 3 साल बाद, 3 साल बाद x इसकी क्या एज हो जाएगी, x प्लस 3, इसकी क्या हो जाएगी, y प्लस 3। तो ये कह रहा है 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं, ये जो आफ्ताब है, ये इसकी डॉटर का कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 times। फिर से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3y plus 9, एक्स प्लस 3 minus 3y minus 9 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3y ये हो गया 3 minus 6 minus 6 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपके सेकंड। तो ये दो इक्वेशंस हो गई, इन दोनों इक्वेशंस का आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कि इसके ग्राफिकल या एल्जेब्रिकली, तो आपने लिख दिया एल्जेब्रा हो गया, और ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन देना है, दोनों का आप क्या बना दोगे, ग्राफ बना दोगे, जो कि आपके 9th क्लास में आराम से सीखे थे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इजी है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से आप जितने ज़्यादा करोगे उतना ही आप सीखोगे। इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे, इसमें क्या लिखा हुआ था, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls फॉर ₹3900, मतलब कि एक कोच ने 3 तो बैट खरीदे और 6 balls खरीदी। तो प्राइस ऑफ अ बैट एंड अ बॉल, लेट प्राइस ऑफ अ बैट एंड अ बॉल बी ₹x and ₹i,
आपने क्या करा सबसे पहले, सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करा, जो बेट और बॉल की प्राइस, बेट की प्राइस तो आपने एक्स मान ली और एक बेट की प्राइस एक्स, एक बेट की बॉल की प्राइस वाई मान ली। अब कितने बेट खरीदा आपने, तीन बेट, एक बेट की प्राइस एक्स है तो तीन बेट की प्राइस तीन एक्स, थ्री एक्स हो गए, और सिक्स बॉल्स है, वन बॉल की प्राइस वाई है तो सिक्स बॉल्स की प्राइस सिक्स वाई। इन दोनों को मिला के कितने रुपए लग रहे हैं उसके, रुपीज 3900 हो गए आपके फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे कैसे सेकंड इक्वेशन भी आपको आराम से मिल जाएगी, उसमें थ्री मोर बॉल्स, और उसमें क्या शिव आइज अनदर बेट, एक बेट और खरीदा, मतलब एक बेट खरीदा है और थ्री मोर बॉल्स, मतलब तीन बॉल और खरीदे थ्री बाई, तो कितना पैसा लगा उसके, रुपीज 3300 ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अपने क्या लिख दिया इनका, एल्जेब्रिक लिख दिया, और इसी को किस फॉर्म में लिखना है आपको, ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन देना है। तो बस इसका आप दोनों को ग्राफ बना के सॉल्व कर सकते हैं। 3.1 के तीन क्वेश्चन दो मैंने करवा दिया आपको, एक आप खुद से करके देखना है इसमें। और ये बुक है, ये एनसीईआरटी ऐप है, आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप इस एनसीईआरटी ऐप से आराम से इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।